हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केम छो कौन छो बंधुरा स्वागत है आप सभी को सौरभ किचन में। दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कच्चे टमाटर की सब्जी बनाना, और इस गर्मी में खट्टा सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया है। और एक बात दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए लगभग मुझे 3 महीने का वेट करना पड़ा, और क्यों वेट करना पड़ा वो तो मैं बाद में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं, पहले रेसिपी देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका कारण भी बताऊँगा। दोस्तों सारे सब्जी को हमने पहले वॉश कर लिया अच्छे से, उसके बाद ही हम इसे इसे काट लेंगे। और तकरीबन हमने 300 ग्राम के करीब टमाटर लिया है, और 200 ग्राम के करीब हमने पटेटो लिया है, और 3-4 हरी मिर्ची। इन सारे चीज़ों को हम काट लेंगे। दोस्तों इससे पहले आपने कभी भी कच्चे टमाटर की सब्जी खाया है? अगर नहीं खाया तो प्लीज़ इसे ज़रूर खाना, और मुझे बताना आपको कैसा लगा। बहुत ही सिंपल है और बनाना एकदम मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगता है और आसानी में बन जाएगा, और इस गर्मी में बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों आपको। तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी याद से दबा देना, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, हमने सारे सब्जियों को अच्छे से काट लिया है, और काटने के बाद हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख देंगे, और कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हम सरसों का तेल डाल देंगे। और तेल जब गर्म हो जाए तभी हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब 5 फोड़न डाल देंगे। और इस 5 फोड़न के अंदर 5 तरीके का मसाला होता है, जैसे कि कलौंजी, सौंफ, जीरा, मेथी के दाने होते हैं, एंड राधुनी होता है, बंगाली में राधुनी बोलते हैं, चंदनी भी बोलते हैं। और इस जो मसाला होता है अच्छे से जब चटकने लगे उसके बाद ही हम इसके अंदर आलू को डाल देंगे, और थोड़ी देर आलू को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो कटा हुआ टमाटर एंड हरी मिर्ची है उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों इतनी गर्मी के मौसम में ज़्यादा रिच खाना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, एंड खाने में भी अच्छा नहीं लगता। सो जितना हो सके उतना ही हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है दोस्तों। एंड ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं है, एंड खाने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। सो इसे ज़रूर घर पर ट्राई करना, एंड मुझे बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को भी याद से दबा देना, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हमने इसके अंदर दे दिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, एंड उसे देने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे, और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे दोस्तों। पानी देने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, एंड देंगे 1 टेबलस्पून एंड 1/2 टीस्पून के करीब शक्कर, क्योंकि कच्चा टमाटर है तो थोड़ा ज़्यादा खट्टा होगा, इसे थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा शक्कर दे रहे हैं। आपको जितना पसंद है आप उसी हिसाब से देना दोस्तों। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट सब्जी को अच्छे से पकाने के बाद हम 2 टेबलस्पून मिल्क एंड 1 टीस्पून आटे का एक घोल बनाएंगे, और इस घोल को हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि सब्जी एक अच्छा एक ग्रेवी बने सब्जी का, और देखने में भी अच्छा लगेगा एंड खाने में भी तो अच्छा लगेगा ही दोस्तों।
इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल के इसे थोड़ी देर मतलब और 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे सब्जी को, उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सब्जी तो हमारा बनके तैयार हो गया, अभी हम इसके पीछे की बात बताते हैं, मतलब जो 3 महीने क्यों लगा वो बात बताते हैं, तो चलिए मेरे साथ। Thank you.